दोस्तों अगर पर्सनल लोन की बात करें तो आजकल बहुत सारे ऐसे एप्स मार्केट में आ चुके हैं जो कि आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं आरबीआई के साथ उनके साथ पार्टनरशिप करके वो लोन बांट रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राइवेट बैंक के बारे में जो कि यूं कहें कि छोटा तो है लेकिन हाँ ये लीगल है, आरबीआई रजिस्टर्ड है और ये बैंक है। जी हाँ दोस्तों, ये एनबीएफसी कंपनी नहीं है और यहां से पर्सनल लोन लेना आपके लिए बहुत ही आसान है। किस तरीके से, आज मैं इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक पर्सनल लोन के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और एक और बात, अगर आपको किसी भी तरीके का इंस्टेंट लोन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देते हैं बंधन बैंक पर्सनल लोन की पूरी डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे लोन का जो अमाउंट है वो 50,000 से लेके 25 लाख तक का हो सकता है। आपको जिस अमाउंट की जरूरत है आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। आपको अमाउंट आसानी से मिल जाता है, किस तरीके से मिलेगा पूरी जानकारी आपको हम आगे वीडियो में देने वाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अट्रैक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू अदर बैंक्स अगर हम बात करें तो, क्योंकि ये एक प्राइवेट बैंक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहां इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट बैंक काफी आसान है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहां पे आपका रीपेमेंट जो टेनर होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, 60 मंथ तक का कोई भी टेनर आप यहां से चूज कर सकते हैं। मीन्स आपको यहाँ पे 5 ईयर्स तक के लिए पर्सनल लोन मिल सकता है। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ लोन का जो प्रोसेसिंग होता है वो आपका बहुत ही फास्ट होता है और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वो आपका डोर स्टेप हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बैंक आपके घर आकर लोन को अप्लाई करने में हेल्प करेगी। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके घर से कलेक्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं रेट इसका स्टार्ट हो रहा है 10.25% पर एनम के हिसाब से और ये मैक्सिमम आपका 18% तक जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट प्रोफाइल पे, कोई भी इंटरेस्ट रेट इसके बीच में लगाया जा सकता है आपके क्रेडिट प्रोफाइल को देखते हुए, आपके रिस्क की प्रोफाइल को देखते हुए। अब सबसे जरूरी बात जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आखिर आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं ये कैसे आप जानेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल वो हो जाते हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, जिनका खुद का अपना प्रोफेशन है, और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वो हो जाते हैं जो कि बिजनेस करते हैं। सैलरीड आप जॉब करते हुए होने चाहिए। यहाँ पे देखिए सैलरीड दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं इससे बैंक को मतलब नहीं है, या वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है, आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, कहां पे रह रहे हैं इससे बैंक को कोई भी मतलब नहीं है। आपके अकाउंट में मिनिमम मंथ में एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आपको आसानी से यहां से लोन मिल जाता है। बैंक के द्वारा कोई भी क्वेश्चन यहां पे नहीं पूछा जाता। आगे देखिए अगर हम बात करें मिनिमम यहां पे एज लिमिट की तो वो आपका 21 इयर्स है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगर हम बात करें तो 23 इयर्स, साथ ही मैक्सिमम की बात करें तो वो आपका 60 ईयर का यहाँ पे हो जा रहा है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ भी है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मिनिमम आपका जो भी मेन अकाउंट है
उसमें एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब एक से ज्यादा अगर आपके पास अकाउंट हैं और जो सैलरी अकाउंट आपकी है उसके अलावा कोई दूसरा अकाउंट है उसमें भी अगर मिनिमम मंथ में एक ट्रांजेक्शन ओनली अगर हो रहा है तो भी आप एलिजिबल हैं इस लोन के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका लोन लेने के लिए, और इसका इंटरनल इंफॉर्मेशन कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जो कि बंधन बैंक लोन देते टाइम फॉलो करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो आप यहां पे देख सकते हैं आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ। जैसा कि आपको पता है आधार कार्ड और पैन कार्ड यहां सबके पास लगभग पाया जाता है, तो वो दोनों आपको यहां पे देने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप यहां पे दे सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट यहां पे दिया हुआ है, वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और साथ ही साथ आपको एक रिसेंट फोटोग्राफ भी देना पड़ता है। इसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मंथ सैलरी स्लिप आपको देना पड़ता है, और फॉर्म 16 भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो। लेकिन देखिए यहाँ भी आपका कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कंडीशन में बैंक आपसे बिना ये सारी चीजें लिए भी लोन दे देता है, बहुत ही आसानी से दे देता है, लेट मी टेल यू क्लियरली। उसके बाद से अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ आपको कम से कम पिछले 2 सालों का ITR और उसके साथ साथ अपने बिजनेस का जो भी आपका लेखा जोखा है उसकी डिटेल भी आपको बैंक के साथ शेयर करनी पड़ती है, बैंक को देनी पड़ती है। और उसके बाद से अगर आप ऑनलाइन यहां पे अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, प्री क्वालिफाइड ऑफर आपको पहले से ही मिला हुआ है बैंक के लिए, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती। मतलब यहां पे आप देख सकते हैं ये जो सैलरीड पर्सन के लिए ये चीज आपको देनी है, सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 ये नहीं देना। उसके बाद से आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह जो चीजें हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये बिल्कुल नहीं देना अगर आप ऑनलाइन यहां लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर प्री अप्रूव्ड लोन के लिए आप यहां पे एलिजिबल हैं तो। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आप इस लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां अप्लाई करने का 2 तरीका है। एक तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट में जाने के बाद से आपको मैं लिंक डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ डिटेल्स आपको यहां पे डालना है पर्सनल लोन वाले सेक्शन में जाने के बाद से। तो यहां पे देखिए यहां आपको अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पिन कोड, और आप अभी जिस शहर में रह रहे हैं जितनी भी सिटीज हैं, अगर आप हो सकता है शहर में न रह रहे हों तो आपके आसपास जो भी कोई सिटी है उसका नेम आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से ऑथराइज पे आप क्लिक करते हैं, टिक करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को सबमिट कर देते हैं। यहां से जो बंधन बैंक होगा वो आपको कॉल करेगा, आपके आसपास जो भी ब्रांच होगा वहां से एम्प्लॉई आपके घर भेजा जाएगा अगर आप इसके ब्रांच पे नहीं जा पाते हैं तो, और घर पे ही पूरा का पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट करा दिया जाता है, आपको लोन मिल जाता है। और लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूं कि ऐसा खुद मेरे साथ हुआ है, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था ज्यादा नहीं ओनली 30,000 और मुझे लोन मेरे घर पे आकर दिया गया। और उसका अगर इंटरेस्ट रेट मैं बताऊं कि मुझसे कितना इंटरेस्ट रेट लिया गया तो मैं आपको बता दूं करेक्ट 18% लिया गया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लोन ले रहा था, पहले मैंने कभी भी लोन नहीं लिया हुआ था। साथ ही एक इंटरनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मंथली के साथ साथ यहां आपको वीकली ऑफर भी दिया जाता है EMI को डिपॉजिट करने के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आपको वीकली डिपॉजिट करना है तो वीकली भी आप यहां पे दे सकते हैं। जैसे कोई बहुत छोटा बिजनेसमैन है और अगर वो अपना EMI वीकली देना चाहते हैं तो आसानी से यहां पे दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें ऑफलाइन अप्लाई के लिए तो आप अपने आसपास किसी भी बंधन बैंक के ब्रांच में, अगर आसपास नहीं भी है मैं आपको बता दूं आपके आसपास किसी दूसरे सिटी में है, थोड़ा दूर है, तो वहां भी जाके आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेशक वो जो एरिया है इस बैंक के एरिया में आना चाहिए, क्योंकि बैंक अपना कुछ डिसाइड किया हुआ एरिया होता है, उनका कुछ पॉलिसी होती है, तो उसमें आना चाहिए, आसानी से आपको यहां पे लोन मिल जाएगा। बैंक बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, आपके पास कोई भी अकाउंट है अगर उसमें मिनिमम मंथ में एक थोड़ा सा भी ट्रांजेक्शन हो रहा है 10,000 to 15,000 का भी, तब भी यहां पे बैंक आपको आसानी से लोन दे देता है आपकी एलिजिबिलिटी के अगार्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर पूछिए, हम जरूर उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।